दिल्ली के नागलोई इलाके में नेशनल लेवल के कबड्डी प्लेयर रोहित चिल्लर की पत्नी ललिता ने सोमवार शाम कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में 27 वर्षीय ललिता ने लिखा है कि रोहित ने मुझे बहुत परेशान किया, दुख दिया, मुझे बहुत रुलाया और कहता था मेरी खुशी के लिए जिंदगी से चली जाओ। रोहित इंडियन नेवी में स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुआ है। रोहित नेशनल लेवल पर कबड्डी और प्रो कबड्डी लीग में बेंगलुरु बुल्स का प्रतिनिधित्व करता है। पुलिस के अनुसार ललिता जब घर में मृत पाई गई, उस समय रोहित मुंबई में था। रोहित ने 2009 में नेवी ज्वाइन की थी और उसकी पोस्टिंग मुंबई में है। ललिता ने सुसाइड नोट के अलावा एक लंबा वीडियो भी छोड़ा है। इसमें उसने अपने पति के परिवार पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सुसाइड नोट में उसने लिखा है कि उसे अकेले रहने पर मजबूर किया गया, जबकि उसका पति लगातार दिल्ली से बाहर रहता है। ग्यारह मार्च को शादी हुई थी, ठीक है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अच्छे तरीके से। लेकिन वहाँ जाने के बाद दहेज की और उनको परेशान करने की, लड़के को ना मिलने देने, यानी रोहित को उसके माँ बाप मिलने नहीं देते थे, और लड़की यहाँ पर पिछली चौबीस तारीख सैटरडे से आई हुई थी, ठीक। सुसाइड नोट पर उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि मेरे सास ससुर मुझे बहुत परेशान करते थे, उनके परिवार वाले भी, और रोहित भी कभी मतलब हस्बैंड उनका साथ नहीं देता था। मेरे साथ इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बात नहीं थी, मेरे को फैमिली से ही पता चला था कि ऐसे ऐसे हुआ है। बाकी मेरी बात होती थी, मेरी बात लास्ट हुई थी 27 सितंबर को, मेरा बर्थडे था उस दिन हुई थी। वो 24 सितंबर को यहाँ पर आई थी, और 21, 22 और 23 को उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, तब वो परेशान होकर यहाँ पर आई थी। नहीं, वो मेरे को नहीं बताया, बड़े ताऊ जी वगैरह को बताया था, पापा वगैरह को बताया था। उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, इसके अलावा कोई वीडियो मैसेज भी छोड़ा है? नहीं, ऑडियो मैसेज छोड़ा उन्होंने, वॉइस मैसेज है, वो 2 घंटे का वॉइस मैसेज। उसके हस्बैंड ने उसके साथ इतना बुरा करा, सिर्फ सारे दिन उसका काम किया है फेसबुक फॉलोवर्स, इसकी वजह से उसने मेरी बहन की बिल्कुल ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और सिर्फ मेरी बहन को उसने ब्लॉक कर दिया, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। कह रहा वर्ल्ड कप खेल जाऊँ तेरे को तो मैं तलाक देता हूँ, तेरे को तो मैं बताऊँगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ उसका टारगेट ये था कि बावरी से जितना मिलना था, जितना पैसा आना था, वो आ चुका है अब, ठीक है। अब उसको मतलब बावरी उससे दूर, उसकी लाइफ से चली जाए। देखो, उसको सिर्फ और सिर्फ सारे दिन इंजॉय करने से मतलब, इधर उधर घूमना, फेसबुक पर 24 घंटे अपडेशन करना, मेरी सिस्टर को ब्लॉक कर देना, इतना मेंटली टॉर्चर कर दिया। मैंने उसे बहुत शेयर करा, मैंने कहा कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, बट उसके दिमाग पर इतनी बड़ी हैवी चीज़ हो गई है कि उसने लास्ट में ना सुसाइड ही कर लिया गया है। रोहित के परिजन अलग रहते हैं और उन्हें लापता बताया गया है। पुलिस के अनुसार ललिता डिप्रेशन का शिकार मालूम होती है, क्योंकि उसकी पहली शादी भी दहेज प्रताड़ना के आरोप के कारण प्रभावित हुई थी। ललिता जब कॉलेज में थी तब उसकी मुलाकात रोहित से हुई। पुलिस को मामले में अभी रोहित से पूछताछ करनी है।